की स्पीड तो बड़ी ही खतरनाक है। और अभी यहाँ पर 10 सेकंड हो चुके हैं, 10 सेकंड में भैया काफ़ी भैया ने यहाँ पर जो पानी पूरिया है वो खा ली है। रुको जरा, सबर करो। सो गाइज, आज आपका भाई जो है वो बना है फूड ब्लॉगर 4A Day। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ लजीज स्ट्रीट फूड, जिसे देख के आपको मजा आ जाएगा। भैया जी, अपना त्रेजी ब्लॉग चैनल है, त्रेजी चीजें करनी होती है अपने को। चलो कोई ना, फिर हम लोग करेंगे फूड ब्लॉगर का पर्दाफाश। भैया जी, ये की ना आपने त्रेजी ब्लॉग वाली बात, मजा आया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फूड ब्लॉगर की रियल लाइफ वर्सेज रील लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे। मतलब वो रील बनाते हैं तब क्या होते हैं, और रियल में उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, और मतलब उसके बिहाइंड द स्टोरी, मतलब कितना वो लोग झूठ बोलते हैं, वो सब आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए ताकि हमारा जो वीडियो है ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, अभी मैं आया हूँ राजस्थान के मंडावा के अंदर संदीप चाट भंडार के यहाँ पर, जो कि समोसा चाट जो है वो बहुत ही अच्छी बनाते हैं। तो अभी हम लोग भैया के पास जाते हैं और पूछते हैं। तो भैया, यहाँ पर क्या फेमस है? यहाँ पे समोसा और कचौरी। तो हमारे लिए 2 प्लेट आप समोसा लगा दीजिए। तो दोस्तों, ये हमारा समोसा आ गया है। सबसे पहले आप इसमें डाले जा रहे हैं छोले। अब इसमें आ रही है लहसुन की चटनी। अब इसमें आ रही है खट्टी मीठी चटनी। अब इसमें आएगा दही। अब इसमें आ गया दही। अब इसमें डलेगा इनका सीक्रेट मसाला। अब इसमें आ गया ऊपर से बहुत सारा प्याज। तो ये जो समोसा है हमारा यहाँ पर बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं अभी आपको खा के बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। भैया, मैं वहाँ से आऊँगा, फिर आने के बाद आपको बोलूँगा कि 2 समोसे के प्लेट लगानी है, तो आप 2 हमारे सामने लगा देना, वो दोनों हम ही खाएंगे। उसके बाद क्या होगी, जैसे जैसे आप बनाते जा रहे हो थोड़ा धीरे धीरे बताना, ताकि हम उसको आराम से रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, चलो आ जाए। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं एक पानी पूरी के ठेले के ऊपर, जहाँ पर चैलेंजेस होते हैं कि अगर आप 30 पानी पूरी खाते हो 1 मिनट के अंदर, यानी 60 सेकंड के अंदर, तो आपको मिलेगा 11,000 रुपये का इनाम। तो हम लोग यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आ चुके हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं भैया के पास, और अपना जो है वो सेटअप तैयार करवाते हैं, यानी कि 30 पानी पूरी लगवाते हैं। तो दोस्तों, 30 पानी पूरी बनकर यहाँ पर हमारे सामने तैयार है। तो भैया के साथ जो है हम चैलेंज यहाँ पर करने वाले हैं। तो फटाफट भैया आप ये ले लीजिए, और यहाँ पर ये जो है मैंने 1 मिनट का जो टाइमर है वो यहाँ पर सेट कर दिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करूँगा, उसके बाद जो भैया है वो जो पानी पूरी है वो खाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर दबा रहता हूँ, टाइम स्टार्ट 9। और यहाँ पर भैया दबा दब लगे पड़े हैं, भैया फटाफट यहाँ पर खाने में लगे हैं। भैया की स्पीड तो बड़ी ही खतरनाक है। और अभी यहाँ पर 10 सेकंड हो चुके हैं, 10 सेकंड में भैया काफ़ी भैया ने यहाँ पर जो पानी पूरिया है वो खा ली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी जल्दी भैया यहाँ पर जो है वो पानी पूरी खा रहे हैं। और अभी यहाँ पर जो है वो 24 सेकंड हो चुके हैं, और भैया ने ऑलमोस्ट यहाँ पर आधी जो पानी पूरी है वो यहाँ पर ख़त्म कर दी है। तो अभी आप देख सकते हो कि भैया की सिर्फ यहाँ पे 4 और 3 7 या 8 पानी पूरी बची है, और यहाँ पर जो है
आपको 39 यानी 40 सेकंड हो चुके हैं, सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। तो फटाफट यहाँ पर देखते हैं कि भैया ख़त्म कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और यहाँ पर 46 सेकंड हो चुके हैं, 47, 48, और यहाँ पर भैया ने जो है वो 50 सेकंड के अंदर हमारा जो चैलेंज है वो कंप्लीट कर लिया है। और भैया यहाँ पर जीत चुके हैं 11,000 रुपये का इनाम। तो भैया के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां। तो ये हमारा उसी चैलेंज वीडियो का जो है वो साइड व्यू एंगल है, जिसमें हमने यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला हमारा जो मेन कैमरामैन है, उसके बाद ये पानी पूरी खाने वाला बंदा, उसके बाद मैं एज ए होस्ट, और ये जो चौथा बंदा हमने रखा है इसको हमने चीटिंग के लिए रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैंने चैलेंज वीडियो स्टार्ट करा, मतलब मैंने जो है वो टाइमर स्टार्ट करा, उसके बाद हमारा जो कैमरामैन है उसने डायरेक्ट जो फोकस है वो पानी पूरी खाने वाले बंदे के ऊपर रखा। और यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद जो है कैमरामैन ने जो एंगल है यानी जो कैमरा का जो एंगल है वो मेरी साइड कर दिया, और यहाँ पर जो है वो पानी पूरी खाने वाला जो बंदा है वो हाइड हो गया, और पीछे से जो है जो चीटिंग करने वाला जो बंदा था उसने जो है वो प्लेट से 4 से 5 पानी पूरी निकाल लिए। उसके बाद जो है वो कैमरामैन ने जो है वापस कैमरा जो व्यू है वो वापस पानी पूरी खाने वाले बंदे पर रखा, और 2 से 3 पानी पूरी खाते हुए दिखाए। उसके बाद जो है वापस से जो कैमरा एंगल है वो मेरी साइड आ गया, और पीछे से जो है जो चीटिंग करने वाला बंदा उसने जो है वो 4 से 5 पानी पूरी वापस से निकाल लिए, और फिर जो कैमरा है वो यहाँ पर पानी पूरी खाने वाले बंदे पे चला गया। तो इस हिसाब से जो है वो लोग जो है मतलब जो बड़े बड़े ब्लॉगर जो होते हैं वो इसी हिसाब से इसी ट्रिक के थ्रू जो है वो चैलेंज वीडियो करते हैं और हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। दोस्तों ये एक छोटा सा प्रोसेस था कि जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं वो किस आइडिया के साथ जो है वो काम करते हैं। मैंने उनका एक छोटा सा जो आइडिया है वो अपने ऊपर अप्लाई करा और आप लोग को दिखाया कि वो लोग कैसे काम करते हैं। इस वीडियो से जो किसी भी जो पर्टिकुलर जो ब्लॉगर को है वो ऐसे टारगेट नहीं किया जा रहा है कि इस ये बंदा ऐसा करता है या फिर ये लोग ऐसा करते हैं। मैंने जस्ट ऐसे रील और शॉर्ट वीडियोज़ में देखे थे कि वो लोग इस आइडिया के थ्रू जो काम करते हैं, और वही जो आइडिया है मैंने आप लोग के साथ शेयर करा है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ वाले बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।